अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, इन स्ट्रीम ऐड के हवाले से हमारे काफ़ी लेक्चर हो चुके हैं, बल्कि ऑलमोस्ट हमने अपना ये कोर्स कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप लोग अपना इन स्ट्रीम ऐड के ऊपर काम कर सकते हो। तो बाकी इनके हवाले से जो जो भी लेक्चर होंगे वो मैं साथ साथ लेकर आ जाऊँगा। तो एक भाई का क्वेश्चन था, उन्होंने कहा था कि हम गेमिंग पेज जो है ना वो कैसे क्रिएट करें और गेमिंग पेज के ऊपर हम किस तरह से काम करें। तो मतलब मैंने आप लोगों को पहले इंडियन कंटेंट के हवाले से सारा कुछ बताया था, टेक्नोलॉजी और साइंस के हवाले से मैंने आप लोगों को कंप्लीट निच रिसर्च बताई थी कि आप लोगों ने फेसबुक पेज के ऊपर कौन से कंटेंट को जो है ना डालना है और कौन सा कंटेंट आपका चलने वाला है। ठीक है, कौन सा कंटेंट आपका वायरल होगा, तो ये तमाम चीज़ें मैंने आप लोगों को क्लियर कर दी थी। तो भाई का जो क्वेश्चन था ना वो ये था कि गेमिंग कंटेंट के हवाले से जो है ना गेमिंग पेज के हवाले से हम किस तरह से काम करें गेमिंग के ऊपर। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि ये जो गेमिंग का काम है ना, आजकल गेमिंग का काम बहुत ज़्यादा अरूज के ऊपर है। तो गेमिंग सिर्फ एक ही नहीं है, काफ़ी सारे गेमिंग्स हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा टॉप के ऊपर पबजी जा रही है। ठीक है, तो इसमें जो है ना काफ़ी सारे मतलब ये है कि गेम्स आ जाती हैं, जिसमें फ्री फायर भी आ जाता है, मतलब अनलिमिटेड गेम्स हैं जो कि लोग डिफरेंट किस्म के गेम्स को जो है ना चला के वो क्या कर रहे होते हैं, अपना अपना जो है ना फेसबुक पेज क्रिएट करके अर्न कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि गेमिंग पेज, ठीक है, लोग उसके ऊपर किस तरह से काम कर रहे हैं और आप लोगों ने अपने गेमिंग पेज के ऊपर किस तरह से काम करना है। सेम बिल्कुल वही प्रोसेस है जो कि मैंने आप लोगों को इंडियन कंटेंट और टेक्नोलॉजी वाले कंटेंट के रिलेटेड बताया था, लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि आप लोगों ने यहाँ पर सिर्फ गेमिंग ग्रुप्स को ढूंढना है। गेमिंग पेज आप लोगों ने वैसे ही क्रिएट करना जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था। तो चलते हैं, मैं जनाब आप लोगों को लेकर चलता हूँ वहाँ पर फेसबुक के ऊपर। मैं यहाँ पर फेसबुक ओपन कर लेता हूँ और आप लोगों को एक एक चीज़ क्लियर करके मैं दिखा देता हूँ कि आप लोगों ने किस तरह से काम करना है। ठीक है जनाब, तो ये चीज़ें मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ और बाकी मज़ीद हर एक चीज़ के हवाले से मैं आप लोगों को अपडेट रखूँगा। इन स्ट्रीम ऐड के हवाले से हमारे जो है ना जो जो लेक्चर अभी होंगे ना वो भी मैं आप यहाँ पर लेकर आऊँगा, लेकिन यहाँ तक हमारे जितने भी लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं वो लेक्चर अब आप इन स्ट्रीम ऐड के ऊपर काम कर सकते हो इन लेक्चर्स को देखते हो। ठीक है जनाब, तो यहाँ तक तो हमारी चीज़ ये चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं और बाकी RDP के हवाले से मैं आप लोगों को अनलिमिटेड RDP भी क्रिएट करना सिखाऊँगा फ्री ऑफ कॉस्ट, और जो कि आप लोगों का ना 7 ईयर्स का होगा, मतलब 7 दिन का होगा। ठीक है जी, वो RDP आप लोगों का जो है ना अनलिमिटेड जो मैं आप लोगों को बताना सिखाऊंगा वो हमारा होगा जो है ना 7 दिन का होगा, और एक RDP मैं आप लोगों को बताऊंगा जो कि आप लोगों का 1 साल के लिए फ्री होगा। तो जनाब मैं आप लोगों को आप सबसे पहले लेकर चलता हूँ सीधा, मैं आप लोगों को अपने एक पेज में आप लोगों को ओपन करवा के दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे ये पेज मैंने आप लोगों के सामने क्रिएट किया था। ठीक है, अब आप लोगों ने जो गेमिंग पेज आप लोगों ने क्रिएट करनी है ना, वो गेमिंग पेज आप लोगों ने किस तरह से क्रिएट करनी है, सिर्फ और सिर्फ उसमें ना आप लोगों ने एक कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। ठीक है, वही कैटेगरी आप लोगों ने लेकर चलनी है, बाकी और कोई कैटेगरी आप लोगों ने नहीं कर चलनी। ठीक है, तो आज काफ़ी ज़्यादा नेट की स्पीड ज़्यादा स्लो है, तो इस वजह से जो है ना आप लोगों को मैनेज करना पड़ेगा, तो नेट को जो है ना काफ़ी ज़्यादा इशू आ रहा है। तो ये एक पेज हमारा ओपन हो चुका है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि आप लोगों ने किस तरह से इसको लेकर चलना है। इसको ज़रा ओपन होने देते हैं हम। गेमिंग पेज के ऊपर जो है ना काफ़ी ज़्यादा काम है, लोग अगर गेमिंग पेज के ऊपर अपना काम करना चाहें तो वो उसके ऊपर अपना पेज भी ग्रो कर सकते हैं और उससे अच्छा खासा अर्न भी कर सकते हैं। इसको ओपन होने देते हैं, जब तक ये ओपन हो जाएगा मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि आप लोगों ने किस तरह से करना है। ठीक है, इसमें जो मैंने आप लोगों को पहले बताया था ना कि कैटेगरी आप लोगों ने कौन सेलेक्ट करनी है, आप लोगों ने कैटेगरी वीडियो गेमिंग क्रिएटर आपने सेलेक्ट करनी है, कैटेगरी है वीडियो गेमिंग क्रिएटर। ठीक है, तो वो आप लोगों ने सेलेक्ट करनी है, उसके बाद आप लोगों ने सीधा फेसबुक के अंदर जाकर अपने ग्रुप्स फाइंड करने हैं, ग्रुप्स आप लोगों ने गेमिंग के हवाले से ही फाइंड करने हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को ये ग्रुप्स भी फाइंड करना बता देता हूँ, इसको ज़रा ओपन होने देते हैं। ठीक है जी, ये हमारा पेज ओपन हो चुका है, अब मैं इसमें आप लोगों को दिखाऊंगा कि आप लोगों ने कैटेगरी कौन सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे देख सकते हैं ये पेज का नाम है। ठीक है, ये पेज के यूज़र ने मैंने अभी तक सेट नहीं किया, आप लोग इसको भी सेट कर सकते हो। ये मैंने कैटेगरी सेलेक्ट की हुई, यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा गेमिंग वीडियो क्रिएटर, ये आप लोग कहाँ से सेलेक्ट करते हैं, जब आप पेज अपना क्रिएट करने लगते हैं ना तो शुरू शुरू में वो आप लोगों से पूछता है कि आप लोगों ने कैटेगरी कौन सी सेलेक्ट करनी है। ठीक है, आपसे पहले नाम पूछेगा, ठीक है, नाम के बाद आपसे थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन पूछेगा, डिस्क्रिप्शन के बाद आप लोगों से कैटेगरी पूछेगा। तो कैटेगरी में जाकर आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है, गेमिंग लिखनी है। ठीक है, गेमिंग जो ही आपने लिखनी है ना,
पहले पहले पेज नंबर के ऊपर जो है ना यही आ जाएगा, गेमिंग वीडियो क्रिएटर। तो आप लोगों ने इसी को ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। इसको सिलेक्ट करने के बाद अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि आप लोगों ने इसकी ग्रुप फाइंडिंग किस तरह से करनी है। उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात क्लियर करना चाहूँ कि अगर आप लोगों ने तेज के ऊपर काम करना है ना, मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था कि आप लोगों ने किस तरह से उसके ऊपर काम करना है। पहली बात तो मैंने आप लोगों को ये कही थी कि आप लोगों ने एडीज जो है ना, जो क्लोन एडीज होंगी उसको आप लोगों ने शेयरिंग के लिए इस्तेमाल करना है, और जो पेज मैनेजिंग के लिए जो एडी होगी ना उसको आपने अलग से इस्तेमाल करना है। जो जिस एडी से आप पेज को मैनेज कर रहे हो ना, उस एडी से आप लोगों ने शेयरिंग बिल्कुल भी नहीं करनी। उसके लिए आपने क्या करना है, आप लोग यहाँ पे क्रिएटर स्टूडियो में जाकर आप इसको अपना मैनेज कर सकते हैं। क्रिएटर स्टूडियो जो मैं ओपन करूँगा, इसके अंदर जो है ना आप लोगों को जो है ना बेशुमार, आपने क्रिएटर स्टूडियो में जाकर इसको अपलोड भी वहाँ से वीडियो को करना है, और क्रिएटर स्टूडियो के अंदर जाकर आप तमाम की तमाम चीज़ें अपने देख सकते हो अपने पेज के हवाले से कि कौन सी वीडियो हमारी कितना मतलब ग्रो कर रही है, किसके ऊपर कितने व्यूज़ आ रहे हैं, किसके ऊपर कितने लाइक्स आ रहे हैं। ये क्रिएटर स्टूडियो में ही जाकर आप लोगों को पता चलता है, ठीक है। तो इसको हम ओपन होने देते हैं, समझ आ रही है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये क्रिएटर स्टूडियो में यहाँ पे आप लोगों को बेशुमार ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, ठीक है जनाब। ये ऑप्शन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को पॉपुलर्स वगैरह के लिए ये नोटिफिकेशन है, ये इनसाइट के अंदर आप जाके अपने देख सकते हो कि पेज की ग्रो कितनी है, क्योंकि ये मेरा न्यू पेज है, इसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं डाला, ठीक है। प्री पब्लिश या पब्लिश कितने आप लोगों ने कह लिए, फाइल मैनेजमेंट आप लोग, टूल्स वगैरह। अच्छा, मोनेटाइजेशन भी आप लोगों की क्रिएटर स्टूडियो में ही जाकर होगी। मैं अगर मोनेटाइजेशन के ऊपर क्लिक करूँ तो मोनेटाइजेशन के अंदर आप लोगों को यहाँ पर वो बता देगा कि आपको जो स्ट्रीम ऐड का क्राइटेरिया है वो किस तरह से है, ठीक है। अभी इसको हम ओपन होने देते हैं, ठीक है। इसकी जब पे आउट सेटिंग वगैरह, पॉलिसी इशूज तब आते हैं जब आपको जो है ना पेज मोनेटाइजेशन में कोई चीज़ रह जाती है, जिस तरह से वॉच टाइम रह जाता है या फॉलोअर्स वगैरह कुछ भी रह जाते हैं, तो वो मतलब तब बताता है। बाकी पे आउट सेटिंग क्या है, पे आउट सेटिंग के लिए मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर करता चलूँ कि आप लोगों ने जब भी पे आउट सेटिंग करनी हो ना, वो आपने किसी बाहर के कंट्री से एक बंदे को लाजमी आप लोगों ने शामिल करना है, क्योंकि इसमें ये होता है कि अगर पाकिस्तान के अंदर जो है ना इन्होंने अलाउ कर दिया हर एक चीज़ को, मोनेटाइजेशन को, तो तब तो आप लोगों के अपने पाकिस्तान के बैंक अकाउंट ही चलेंगे। अदरवाइज़ आप लोगों को किसी बाहर के कंट्री का बंदा रखना होगा, उसका बैंक अकाउंट आप लोगों ने करना होगा। बहरहाल ये भी मैं आप लोगों को सिखा दूंगा कि आप लोगों ने किस तरह से जो है इंटरनेशनल कार्ड जो है ना यहाँ पर ऐड करना है, और किस तरह से इंटरनेशनल अकाउंट अपना क्रिएट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्ट्रीम एड्स फॉर ऑन डिमांड, इसके ऊपर अगर मैं जो ही व्यू क्राइटेरिया के ऊपर क्लिक करूँगा, ठीक है। अब उसने ये कहा है कि आपके 1% फॉलोअर्स हैं, 1% आप लोगों का एलिजिबिलिटी जो है ना मिनट्स व्यूड हैं, ठीक है। एक्टिव वीडियो आप लोगों का जो है ना सिर्फ और सिर्फ 1% है, मीन्स इसके ऊपर मैंने अभी तक तो कोई काम नहीं किया, इस वजह से जो है ना ये कुछ भी शो नहीं करवा रहा। तो ये क्रिएटर स्टूडियो में जाकर आप लोगों को पता चलेगा, ठीक है। बहरहाल मैं बैक चलता हूँ, आप लोगों को जो है ना गेमिंग के हवाले से ग्रुप्स फाइंड करके दिखाता हूँ कि आप लोगों ने कौन कौन से ग्रुप्स को लेकर चलना है और किस किस ग्रुप्स के ऊपर काम करना है, ठीक है। मैं आप लोगों को इसके ग्रुप्स फाइंड करने का मेथड बता देता हूँ। अभी आपने क्या करना है, सीधा सर्च में चले जाना है। सर्च में जाने के बाद आपने यहाँ पर सिंपल गेमिंग लिखना है, ठीक है। गेमिंग लिखूंगा मैं, गेमिंग सिर्फ क्यों लिख रहा हूँ, गेमिंग मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि बेशुमार गेम्स हैं और लोग जो है ना डिफरेंट गेम्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं। मैं यहाँ पे ग्रुप्स के ऊपर क्लिक करूँगा। ग्रुप्स के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे ग्रुप्स शो हो जाएंगे, ठीक है। अब पाकिस्तान गेमिंग कम्युनिटी, इसको आप लोगों ने ओपन कर लेना है, ठीक है। पहले भी सेम मैंने आप लोगों को बताया था, यहाँ पे सिटी भी आप लोग यहाँ पे जो है ना सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर बांग्लादेश मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, ढाका बांग्लादेश। तो इसमें सिटी भी आप लोग चेंज कर सकते हैं। अब ये बांग्लादेश के तमाम ग्रुप्स मेरे पास आ गए हैं, बांग्लादेश गेमिंग कम्युनिटी, इसको भी आप ओपन कर सकते हैं। उसके बाद यूट्यूब गेमिंग चैनल एंड वीडियो प्रमोशन वर्ल्ड, ये तमाम गेमिंग हैं। अच्छा, मैंने आप लोगों को पहले भी एक बात कही थी कि आप लोगों ने गेमिंग मतलब ग्रुप्स कौन से सेलेक्ट करने हैं। एक तो आप लोगों ने उनके मेंबर्स देखने के, उनके मेंबर्स काफ़ी अच्छे ज़्यादा हों। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि आप लोगों ने पोस्ट देखने के, एक दिन के अंदर लोग जो है कितने पोस्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे 8 पोस्ट लिखा हुआ है, आपने इसी को नहीं देखना, आपने क्या करना है उसी ग्रुप को क्या कर लेना है, ओपन कर लेना है। वो ग्रुप जब ओपन करेंगे तो ग्रुप के अंदर जाकर आपने अबाउट सेक्शन में देखना है कि कितने पोस्ट एक दिन में होते हैं, ठीक है। सेम इसी यहाँ पे, अब यहाँ पे पबजी गेमिंग क्लब है, मतलब जो भी गेमिंग है ना, जो भी गेम आप यहाँ पे इसी गेमिंग में जाकर उसी गेम का नाम लिख सकते हो, जैसे पबजी हो गया, फ्री फायर हो गया, ठीक है। तो मतलब जो जो भी गेम होंगे ना, आपने उसी गेम का नाम लिखना है, और ग्रुप में सर्च करने के बाद जो भी सिटी सेलेक्ट करना है वही सिटी सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है जनाब। तो यहाँ पर डिफरेंट किस्म के जो है ना आप लोगों को पेज ग्रुप्स मिल जाएंगे, इन्हीं ग्रुप्स को आप लोगों ने ढूंढना है, इन्हीं ग्रुप्स को आप लोगों ने क्या करना है। अब ये गेमिंग प्रोडक्ट्स है, ठीक है, इसको मैं बांग्लादेश का है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ।
और यहाँ पे ये देखो डिफरेंट किस्म की जो है ना आप लोगों के पास गेमिंग्स जो है ना पे ग्रुप्स आ रहे हैं। ठीक है, मैं इन जो दो ग्रुप्स को चेक कर लेता हूँ। अबाउट सेक्शन में जाता हूँ। अबाउट सेक्शन में जाने के बाद मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि इस ग्रुप्स के अंदर जो है ना अभी तक, क्योंकि ये सुबह का टाइम है और 8 पोस्ट हो चुकी हैं। ठीक है, बहरहाल अब मज़ीद आपको मैंने चेक करने का मेथड ये बता दिया था कि आपने ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने के बाद आपने इस ग्रुप में एक पोस्ट कर देना है। अगर तो वो पोस्ट एडमिन अप्रूवल के पास नहीं जाता, इसका मतलब ये है कि आप लोगों का जो है ना ये जो ग्रुप है वो आप लोगों के लिए बेस्ट है। अगर एडमिन अप्रूवल के पास आप लोगों का जो है ना ग्रुप जाता है, पोस्ट जाती है, तो वो आप लोगों की ग्रुप किसी काम का नहीं है। ठीक है, सेम इसी में जाकर मैं लर्न मोर के ऊपर क्लिक करूँगा तो इसमें भी आप लोगों को पता लग जाएगा। इसमें भी क्योंकि ये आप यहाँ पर देख सकते हो कि 7 पोस्ट, ठीक है, एक डे के अंदर। तो इसी तरह से आप लोगों ने ये ग्रुप्स अपने फाइंड करने गेमिंग्स के हवाले से। ठीक है, तो गेमिंग्स के हवाले से आप लोग यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जनाब पबजी गेम। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पबजी गेम। ठीक है, पबजी गेम हो गया, जो भी हो गया, जिस गेम के हवाले से आप लोगों ने जो भी ग्रुप्स फाइंड करने आपने वही लिखने। आप यहाँ पे देखो पबजी गेम के हवाले से काफ़ी सारे वीडियोज़ आ गए। अच्छा, गेमिंग्स के ऊपर जो बंदा, मैं अब आप लोगों को सबसे पहले ये मैं ओपन करके दिखा देता हूँ, उसके बाद गेमिंग के ऊपर ना मैं आप लोगों को एक ट्रिक भी बताता हूँ कि अगर आप लोगों के पास वीडियो नहीं है गेमिंग के बारे से इसमें डालने के लिए, तो वीडियो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने आप लोगों को, मैंने सिर्फ ये 3-4 ग्रुप्स मैंने ओपन कर लिए। अब मैं पहले ग्रुप्स में चला जाता हूँ। इसमें मैं क्या करता हूँ, नीचे चला जाता हूँ तो वो कहता है कि 15 पोस्ट, क्योंकि ये सुबह का टाइम है तो इसमें जो है ना 15 पोस्ट अब तक हो चुकी हैं। ठीक है, आपने मज़ीद इसको चेक ऐसे करना है कि आपने क्या करना है, इसको ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने के बाद इसके अंदर एक पोस्ट कर देनी है। पोस्ट करने के बाद अगर वो तो आपका पोस्ट एडमिन अप्रूवल के पास नहीं जाता तो वो ग्रुप आप लोगों के लिए बेस्ट है। अबाउट सेक्शन में दूसरे ग्रुप के मैं जाता हूँ। ये इंडिया का ग्रुप है, लोकेशन यहाँ पे शो हो रही है इंडिया। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे करूँगा तो अब यहाँ पे ये देखो, क्योंकि यहाँ पे सुबह का टाइम है, इंडिया में भी सुबह का टाइम है, तो ये 34 पोस्ट अभी तक हो चुकी हैं। ठीक है, इसका मतलब ये कि मुझे लगता है कि ये ग्रुप जो है ना इसके अंदर जो है ना वो एडमिन अप्रूवल के पास पोस्ट नहीं जाती। बहरहाल आपने इसको मज़ीद देख लेना है। ठीक है, जिन जिन लोगों ने काम करना है, ये फाइंडिंग का जो क्राइटेरिया है ना वो आप लोग खुद करोगे। इसके ऊपर मैं लर्न मोर के ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पर देखूँगा 4 पोस्ट अ डे। ठीक है, अब नीचे मैं जाके इसमें और देखूँगा तो इसमें जो है ना 9 पोस्ट अभी तक हुआ है। तो ये ग्रुप फाइंड करने का एक क्राइटेरिया था। अच्छा, अब जिन लोगों के पास गेमिंग वीडियो नहीं है, जिन लोगों के पास गेमिंग वीडियो नहीं है, या जिन लोगों के जो है ना पेज येलो हो जाते हैं, पेज का जो है ना क्वालिटी, अब पेज क्वालिटी कैसे आप लोगों ने चेक करनी है, सीधा आप लोगों ने जाना है पेज के जो है ना पोर्शन में। पेज पोर्शन में जाकर आप लोगों ने, जिस तरह मैं ये आप लोगों को दिखा देता हूँ अपना ग्रुप, ये मेरा येलो के ऊपर चला गया। पेज क्वालिटी आप लोगों ने चेक करना है, सीधा इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है पेज क्वालिटी। पेज क्वालिटी के ऊपर आप लोग क्लिक करोगे तो ये पट्टी आप लोगों को नजर आ रही है, ये येलो है। ठीक है, आप लोगों की ये पट्टी हमेशा आप लोगों ने चेक करना है, इसको ना आप लोगों ने ग्रीन रखना है। येलो वाले जो पेज होना है वो वापस आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते। अगर ये आप लोगों का रेड हो जाए तो रेड वाले पेज आप लोगों के वापस नहीं आएंगे। उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, उसके लिए जैसे ये मेरी जो है ना, ये मैं आप लोगों को ये अपना ग्रुप दिखा, ये पेज है ये मेरा। ठीक है, अब अगर आप लोगों का यही पेज, ठीक है, अगर येलो साइन के ऊपर चला जाए तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने लाइव सेशन में चले जाना है। लाइव में जाकर आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ पर सिलेक्ट लाइव के ऊपर क्लिक करना है। लाइव के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोगों ने यहाँ से थोड़ा सा नीचे कर देना है, इसको ओपन होने देते हैं। ठीक है, ओपन होने के बाद मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि आप लोगों ने इसके ऊपर किस तरह से लाइव आना है। इसके अंदर जो है ना आप लोगों ने गेमिंग लाइव करनी है। ठीक है, मैं यहाँ पे शेयर स्टार्ट शेयर स्क्रीन शेयर लिखा हुआ है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। अब वो कह रहे हैं कि विंडो करनी है, क्रोम टैब करनी है, क्या करनी है। मैं करूंगा यार नहीं, मुझे क्रोम टैब करना है, लेकिन इस वक्त जो है ना वो ये तमाम क्रोम टैब बता रहा है कि आपके पास ये वाले क्रोम टैब है। मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं सीधा जनाब चला जाऊंगा, एक मिनट में आप लोगों को दिखा देता हूँ, एक वेबसाइट में आप लोगों को ओपन करके देता हूँ। ठीक है, अब एक वेबसाइट है ट्विच। ठीक है, ट्विच के अंदर क्या होता है, ट्विच के अंदर तमाम के तमाम, यहाँ पर twitch.tv, इसके अंदर तमाम के तमाम वो लोग बैठे होते हैं। इसके अंदर ये सेम यूट्यूब की तरह ही है, इसके अंदर लोग जाकर अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं। अकाउंट क्रिएट करने के बाद वहाँ पर तमाम के तमाम, लेकिन यहाँ पर है क्या, सिर्फ और सिर्फ गेमिंग के हवाले से वीडियो है। अब यहाँ पर डिफरेंट किस्म की आप लोगों को कैटेगरी शो हो रही होंगी, चैनल वगैरह के नाम है। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा पॉज कर देता हूँ, कॉपी राइट का क्लेम ना आ जाए। ठीक है, अब इसमें क्या है, अब यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ये बंदा लाइव बैठा हुआ है, ये बंदा लाइव बैठा हुआ है। अब यहाँ पे उसके जो है ना व्यूर्स भी शो हो रहे हैं कि इस वक्त इसको कितने व्यूज देख रहे हैं। ये क्या है, 30.6K व्यूर्स इसके देख रहे हैं। मैं इसको एक मिनट, सबसे पहले मैं इसका वॉल्यूम ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, इसका वॉल्यूम मैंने ऑफ कर दिया। अब अगर इसी को मैं ओपन करूँ तो ये बंदा गेम लाइव खेल रहा है, लाइव गेम खेल कर ना यहाँ पर आप लोगों को 24 घंटे आप लोगों को हर एक चीज़ के हवाले से, लाइव गेम के हवाले से आप लोगों को जो है ना एक एक वीडियो मिल जाएगी।
ठीक है। अब ये लाइव बंदा बैठा हुआ है फिलहाल, मेरे ख्याल में इसके अपने कमेंट वगैरह देख रहा है, मैं एक और वीडियो आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। और वीडियो दिखाने के बाद मैं यहाँ पर नीचे थोड़ा सा चला जाता हूँ। अब यहाँ पे ना डिफरेंट किस्म के आप लोगों को गेम्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं, हर किस्म के गेम्स यहाँ पर लाइव होंगे, हर किस्म के गेम्स बंदा यहाँ पर लाइव खेल रहा होता है, ठीक है। मैं यहाँ पर सर्च में जाऊँगा, मैं सर्च में लिखूंगा जनाब पबजी, तो मुझे पबजी के हवाले से तमाम के तमाम चैनल शो हो जाएंगे। अब ये पबजी बैटल ग्राउंड है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, जू ही मैं इसको, नीचे भी सारे पबजी के हवाले से है। अब इसको मैंने ओपन कर लिया, अब आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे तमाम के तमाम पबजी जो है ना, पबजी के हवाले से यहाँ पे ये बंदा लाइव आएगा। फिर तो कभी कभी इसमें ये भी होता है कि कुछ बंदे लाइव नहीं होते, वो फिर क्या करते हैं, वो कुछ ऐड वगैरह लगा देते होते हैं, ठीक है। तो मतलब ये कि आप लोगों को ना ये सर्च करना पड़ेगा, आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी सारे गेमिंग वीडियो मिल जाएंगी, और यहाँ से आप लोग अपनी वीडियोस उठाकर अपने पेज के ऊपर भी लाइव लगा लेकर आ सकते हो। मैं अभी यहाँ से एक वीडियो आप लोगों को पेज के ऊपर लाइव लगा के दिखाऊंगा आप लोगों को कि किस तरह से आप लोगों ने लाइव आना है, बल्कि लाइव नहीं लग सकता इसलिए क्योंकि मेरे जो नेट की स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो है, तो लाइव मैं नहीं आ सकता, लेकिन मैं आप लोगों को मेथड बता दूंगा उस तरह से आप लोगों ने करना है, ठीक है जनाब। मैं थोड़ा सा नीचे चलता हूँ, अब इसमें जो है ना, अब नीचे व्यूज़ भी आप लोगों को दिखा रहे हैं कि इसके कितने व्यूज़ हैं, इसके कितने व्यूज़ हैं, ठीक है। मैं अब यहाँ पे ये तमाम के तमाम पबजी के जो है ना आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये गेम्स हैं, ये भी पबजी है, ये एक चैनल है, ठीक है। अब कैटेगरी आप लोगों को बता रहा है, इसमें भी देखो जो वीडियोज़ वगैरह आप लोगों को दिखा रहे हैं कि मतलब ये कि ये बंदा जो है ना 7 घंटे 29 मिनट जो है ना ये लाइव था, इसने लाइव गेम खेली है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों ने क्या करना है, अपना वीडियो उठा लेना है, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ तक तो आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो चुकी है। लाइव करने का तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, यहाँ पे गो लाइव में आकर आप लोगों ने सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने, आप लोगों को मैं यहाँ से बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो नीचे आप जब स्टार्ट शेयर स्क्रीन करोगे ना, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आप लोगों को विंडो टैब का ऑप्शन देगा, टैब आपने कबरून टैब के ऊपर क्लिक करके जो आप लोगों का टैब है ना इसी का आपने इसके ऊपर जाकर सेलेक्ट करना है, जो पबजी ट्विच लिखा हुआ है इसके ऊपर, इसके ऊपर जब यूं ही शेयर करोगे तो आप लोगों की स्क्रीन जो है ना सीधा, अब यहाँ पे ये देखो ये रेड साइन आ चुका है, इसका मतलब ये कि बंदा लाइव है, ठीक है। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद इसको आप लोगों ने क्लोज कर देना है, क्लोज करने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप लोगों को ये चीज़ नज़र आ जाएगी, थोड़ी ही देर में यहाँ पर इसी वीडियो वाले स्क्रीन में आप लोगों को शो हो जाएगा कि आप जो है ना लाइव आ रहे हो, ठीक है, क्योंकि नेट स्पीड स्लो है, यहाँ पर लाइव आ रहे हो। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, थोड़ा सा काम करना है, क्या करना है, आपने यहाँ पर जाके अपने टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखना है। टाइटल आपने लिखना है कि क्या टाइटल है, आपने इसके ऊपर जो भी टाइटल लिखना है, डिस्क्रिप्शन क्या लिखना है, डिस्क्रिप्शन भी आप लोगों को जो भी होगा वो लिखना है, उसको आप लोगों ने क्या करना है, सेव कर देना है। जो ही आप लोग इसको सेव करोगे तब जाकर आप लोगों का यहाँ पर गो लाइव का जो है ना साइन आप लोगों का ब्लू हो जाएगा, तब आप जो है ना इसके ऊपर गो लाइव कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह गो लाइव के ऊपर जो ही क्लिक करोगे तो आप लोगों की जो है ना वो आप लोग लाइव आ जाओगे। तो ये था हमारा लाइव आने का तरीका, इसी तरह से मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों ने अपने गेमिंग्स किस तरह से आप लोगों को फाइंड करने हैं, जो गेमिंग ग्रुप्स हैं किस तरह से फाइंड करने हैं, गेमिंग पेज आप सबने किस तरह से क्रिएट करनी है। अगर आप लोगों के पास वीडियो नहीं है तो आप लोगों ने इस वेबसाइट में जाकर अपने जो भी मतलब आप लोगों को गेम चाहिए होगा उसकी लाइव वीडियो आप लोगों को यहाँ मिल जाएगी, ठीक है। और इस मज़े की बात यह है कि इस जो वेबसाइट मैंने आप लोगों को बताई, इसमें जो है ना गेम लाइव होते हैं, लाइव भी होते हैं, और जो लाइव टूर्नामेंट होते हैं वो भी आप लोगों को यहाँ पर लाइव दिखा देते हैं, ठीक है जनाब। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक था, इस हवाले से अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप लोगों को आपके क्वेश्चन का जो है ना आंसर मिल जाएगा, ठीक है जनाब। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।